मिंटू ये क्यों रो रहा है? क्योंकि ये सोचता है कि ये एक बदसूरत बतख है। ये बदसूरत बतख नहीं, ये एक हंस का छोटा सा बच्चा है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये एक बड़ा होकर सुंदर हंस बनेगा? हाँ, इसके लिए मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक तालाब था, उसमें एक बतख रहती थी। उसके 5 अंडे थे और 5 अंडों में से चूजे निकलने ही वाले थे। और एक दिन उस अंडों में से चूजे निकलने लगे। बहुत ही सुंदर वो चूजे थे। फिर वह बतख के बच्चे बहुत ही सुंदर थे। बतख उन सभी को बहुत प्यार करती थी। उनमें से एक बच्चा अलग था। बाकी के चार बच्चे उस बच्चे को बदसूरत कहकर चिढ़ाते थे। वह बच्चा बहुत ही रोता था और वह बतख के आने पर यह बात उसे भी बताता था। लेकिन जैसे ही बतख जाती थी, माँ के जाने पर सभी बच्चे उसे चिढ़ाते थे और वह रोता था। रोते रोते वह बहुत ही सोचता था कि मैं कितना बदसूरत हूँ, बाकी सब चारों बच्चे कितने सुंदर हैं। और मन ही मन वह बहुत ही दुखी होता रहता था। फिर भी बच्चे उसका पीछा नहीं छोड़ते थे, उसे अगली डकली बोल के चिढ़ाते रहते थे और कहते थे, तुम कितना अलग हो सबसे, तुम बहुत बदसूरत हो। और उसके साथ वह चारों बच्चे बिल्कुल नहीं रहते थे। वह अपना चित्र हमेशा पानी में देखता रहता था और दुखी होता रहता था कि हाँ, वास्तव में मैं तो बहुत ही बदसूरत हूँ। और रोता था, बहुत ही रोता था। एक दिन उसने सोचा कि वह कहीं और चला जाए और वह जंगल में अकेला ही निकल गया। चारों बच्चों के बारे में सोचता रहता था और अकेला चलता चला गया। उसके पैर बहुत ही थक गए थे। वह चलता ही चला जा रहा था। फिर थोड़ी दूर बाद वह जाके गिर जाता है थकान की वजह से। तभी वहाँ एक लकड़हारा आता है और वह उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले जाता है। बच्चे को वह बहुत ही प्यार से रखता है और उसे बड़ा करता है। और धीरे धीरे वह डक का बच्चा बड़ा होने लगता है और पहले की यादों को भूलता चला जाता है। धीरे धीरे वह बतख का बच्चा बड़ा हो जाता है और वह उड़ता हुआ नदी किनारे चला जाता है। नदी किनारे वह देखता है कि अरे, बहुत ही सुंदर सुंदर पक्षी नदी में तैर रहे थे। तभी वह एक पक्षी से बात करता है कि तुम तो बड़े ही सुंदर हो। तो वह पक्षी बोलता है कि मैं सुंदर हूँ? हा, तुम भी तो मेरे जैसे ही हो। तो वह कहता है, नहीं, मैं तो एक बदसूरत बतख हूँ। तो वो बोलते हैं कि नहीं, तुम जरा अपने आप को देखो। तो वह अपने आप को पानी में देखता है आश्चर्यचकित होकर। उसी पानी में वह जब अपने आप को देखता है तो देखता है वह तो वही वैसा का वैसा ही है जैसे कि बाकी पक्षी थे। तभी वह अपने आप को पानी में देखता है। वह देखता है कि अरे, मैं भी एक बड़े सुंदर पक्षी हूँ। मैं भी वैसा ही लग रहा हूँ जैसे बाकी तालाब में और पक्षी तैर रहे हैं। बाकी सारे पक्षी बोलते हैं, तुम भी तो उतने ही हैंडसम हो जितने हम हैं। यह सुनकर वह बहुत ही अचंभित होता है कि अरे, वो बतख के बच्चे तो मुझे बड़ा चिढ़ाते थे, मैं तो बिल्कुल सुंदर हंस हूँ, बहुत ही सफ़ेद, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल। अरे, मैं तो स्वान हूँ और मैं तो सबसे अलग था, मैं बदसूरत नहीं था। अलग होने का मतलब ये नहीं कि बदसूरत होता है, अलग मतलब होता है सबसे यूनिक, सबसे अलग। तो वह बाकी हंस के बच्चे बड़े हो जाते हैं। वो सभी कहते हैं, आओ तुम हमारे साथ इसी नदी में तैरो और यहीं घुमा करो, तुम हमारे साथ रहा करो। और वह उसको अपने साथ मिला लेते हैं। इसी तरह से मिंटू, देखा तुमने कितनी अच्छी